हाय फ्रेंड्स, एक अपडेट में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे पैकेजिंग के बारे में, ठीक है। पैकेजिंग में आज हम लोग ले लेंगे एलईडी बल्ब का, ठीक है, क्योंकि आप लोग में से भी काफ़ी रिक्वायरमेंट आ रहा था कि एलईडी बल्ब पे जो कि वीडियो बनाइए। तो आज है जो कि हम लोग इसी पे जो कि हम लोग बात करने वाले हैं कि एलईडी बल्ब के लिए डिज़ाइन किस तरीके से बनता है और डिज़ाइन बनाने का क्या प्रक्रिया है। अगर आप डिज़ाइन बनाते हैं तो क्या क्या चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और उसके बाद जो डिज़ाइन बनाते हैं तो डिज़ाइन में आप कितना मार्जिन छोड़ सकते हैं, मतलब कि जब प्रिंटिंग होता है उसके लिए, और पिन लगता है उसके लिए, कटिंग होता है उसके लिए, डाई कटिंग किस तरीके से, तो ये सब है जो कि हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं, ठीक है। और अगर वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा मगर आप इसको जो कि संभाल लीजिएगा, क्योंकि इसमें जो कि हम कोशिश करेंगे कि हर चीज़ जो कि हम आपको इसमें बताते हुए चले, ठीक है। इससे होगा कि आपको कभी भी है जो कि कोई दिक्कत नहीं होगा इससे रिलेटिव। चलिए हम लोग चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो यहाँ पे आने के बाद है जो कि एक साइज ले लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि हम A4 कहीं ले लेते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे जो कि मैटर हम सब यहाँ व्यवस्था करके रखे हुए हैं कि आपको ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगे। तो यहाँ पे सबसे पहला प्रक्रिया हम लोग को है कि यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे जो कि हम लोग को साइज ले लेना है, कौन सा साइज में। पहले तो क्या आपको साइज कन्फर्म करना है, यहाँ ये कौन से साइज में जाएगा, क्या साइज होगा, नहीं होगा, तो ये सब चीज़ अगर आप देख लेते हैं उसके बाद अगर आप डिज़ाइन बनाते हैं आप इसमें कभी नहीं फंसेगा। तो इसके लिए है जो कि पहले आपको साइज कंफर्म कर लेना है, क्योंकि ये जो है दो साइज में बनता है, एक छोटा साइज में बनता है, एक बड़ा साइज में बनता है। हम जो बनाने वाले हैं ये है जो बड़ा साइज में जाएगा, ठीक है। तो इसका साइज हम लोग ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि हम लोग सेंटीमीटर के हिसाब से चलते हैं, क्योंकि सेंटीमीटर में होता क्या कि कभी भी आप डिज़ाइन बनाते हैं तो हम आपको रिक्वायरमेंट करते हैं कि अगर इस तरीके का अगर पैकेजिंग का आप डिज़ाइन बनाते हैं तो आप सेंटीमीटर में बनाइए। आपको एक एक सूता का एक एक एथी का आपको ये है जो कि इसमें काम में आता है, आपको पिन टू पिन एग्जैक्ट बैठ जाता है। तो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं, इसका साइज हम लोग रखते हैं, इसको चार भाग में रखते हैं। सबसे पहला भाग जो होता है इसका हम लोग क्या साइज रखते हैं, इसका साइज हम लोग रख लेते हैं 5.7, ठीक है। जैसे कि इसका पहले का हमको पुराना डिजाइन है, मतलब डिजाइन की मतलब पुराना इसका जो एथी होता है ना वो हमको दिया गया था, उसकी उसी हिसाब से जो कि हम आपको साइज बता रहे हैं, ठीक है। और इधर से हम लोग रख लेते हैं 9.9, ये हो गया आपका एक बॉक्स का साइज, ठीक है। अब ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स आप एक ही बॉक्स को दो जगह रखाता है, ठीक है ना, वो वाला ये बॉक्स हो गया, ठीक है। अब इसी में एक साइज और आता है, इसको हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है। अब इसका साइज हम लोग इधर से कर लेते हैं, यहाँ पे 5.5 है, तो यहाँ पर जो कि एक बीच में जो रहता है ना उसको थोड़ा सा साइज कम रहता है, तो यहाँ पर हम लोग 5 रखते हैं, यानी कि 5.5 रहेगा, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर हो जाएगा, इसको हम लोग यहाँ से और यहाँ से जो कि इसको यहाँ से प्लस करेंगे और यहाँ पर करेंगे और यहाँ पर इस तरीके से करें, इसको यहाँ से यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये छोटा वाला है, एक और हम लोग यहाँ पे लास्ट में कर लेते हैं और इसे यहाँ से यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। ये आपको चार वो जो है एनी हाउ रहता ही रहता है, ठीक है। तो पहले तो क्या आपको इस तरीके से चार को बना लेना है, यानी कि 22.4 हो गया, ठीक है ना, सेंटीमीटर में। इसको हम लोग अनग्रुप कर लेते हैं। अब यहाँ से जो कि हम लोग डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करते हैं। डिज़ाइन बनाने का मतलब है कि हम लोग यहाँ पे कलर दे करके आप इसको जो भी आपको थीम अच्छा लगे वो थीम से जो कि आप इसको डिज़ाइन बनाना स्टार्ट कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे जो कि हम लोग ये कलर ही ले लेते हैं और यहाँ से जो कि हम लोग फाउंटेन फिल करेंगे और इसे जो कि यहाँ से हम लोग 270 घुमा लेते हैं, ठीक है। ये अपने पास ये एक साइज हो गया और इसमें जो कि एक डिज़ाइन हम लोग क्रिएट करेंगे, उसके लिए यहाँ से हम लोग पावर क्लिप में लेंगे और यहाँ पे डाल देते हैं। ये इमेज है, ठीक है ना, आप इसको अपने हिसाब से जो आपको ज़रूरत है उस हिसाब से आप इसको बना सकते हैं, सेट कर सकते हैं। तो हमको ये अच्छा लग रहा है तो इसको हम यहाँ पर सेट करें, ये हो गया। अब यहाँ पे जो कि हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बनाते हैं, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ये कलर लेते हैं और ये कलर को हम लोग यहाँ से कुछ इस तरीके से रखते हैं। और ये हो गया, यहाँ पर इसका ग्राउंड है, इस ग्राउंड को जो कि हम लोग यहाँ पे कट करेंगे, यहाँ पे लाएंगे और यहाँ पे जो कि हम लोग यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है, और इसे कॉपी करते हैं, ओके। ये हो गया। अब इसी तरीका से जो कि हम लोग यहाँ पे इसमें भी डाल देते हैं कि थोड़ा अच्छा लगे, यहाँ तक हम लोग का काम हो गया। अब ये बल्ब ले आते हैं, बल्ब को यहाँ पे ले सेट करेंगे और इस तरीका से आप कर लेते हैं, ओके। और ये है जो कि हम लोग यहाँ पे अप करते हैं, उसके बाद ये यहाँ पे लगाते हैं, अच्छा लगेगा। अभी फ़िलहाल यहीं रखते हैं, बाकी देखते हैं जैसा होगा। और ये हो गया बड़ा साइज, ये यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा लास्ट में, ठीक है ना। तो इसको जो कि हम लोग प्लस करके और इसके यहाँ पे हम लोग रख लेते हैं, इसको यहाँ से ये यहाँ पे हो गया और ये चीज़ को यहाँ पे हम लोग ले जा करके
कुछ इस तरीका से यहाँ पे रख लेते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे इसे यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे जो कि एक बॉक्स ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये बॉक्स को छोटा करके यहाँ पर रख लेते हैं, इसमें हम लोग कलर डाल देते हैं वाइट का और इसे यहाँ पे ये मैटर को यहाँ पे रखते हैं, ये मैटर को यहाँ पे रखते हैं। अगर यहाँ पे आउटलाइन रखना चाहते हैं तो आउटलाइन रख सकते हैं। इसको है जो कि हम लोग थोड़ा यहाँ से डेढ़ पॉइंट का कर लेते हैं, तो इस तरीका से। अगर इसको यहाँ से बढ़ाना चाहते हैं तो इस तरीका से बढ़ा सकते हैं। ओके, ये हो गया। अब ये यहाँ पे हम लोग इसको ले आते हैं, इसका साइज हम लोग कर लेते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक कंप्लीट हम लोग का हो गया। अब है जो कि एक काम और हम लोग को रह गया कि अब हम लोग को इसको पकड़ना है, इसको यहाँ पे लाना है और इसे है जो कि हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं। इसका साइज हम लोग इधर से जो कि सेम जो साइज है वो साइज रहेगा, या थोड़ा सा इसको हम लोग यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि 7 है तो यहाँ पर 9 कर लेते हैं और यहाँ से जो कि हम लोग यहाँ से कम करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 6.1 रखते हैं, काफ़ी है। और इसमें जो कि सेम कलर डाल सकते हैं, तो यहाँ पे जो कि हम लोग ये कलर डाल लेते हैं और यहाँ से आउटलाइन नन कर देते हैं। फिलहाल पावर क्लिप में यहाँ पे डाल देते हैं क्योंकि ये डिजाइन यहाँ पे कुछ इस तरीका से इसको हम लोग सेट कर लेते हैं। ये हो गया। अभी इसको हम लोग अनग्रुप करेंगे, अनग्रुप करके इसको हम लोग यहाँ पर लाते हैं और ये चीज़ को यहाँ पर कुछ इस तरीका से सेट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हम लोग का हो गया। और इसे जो कि इसका सेंटर, अब ये चीज़ें जो कि हम लोग इस पे रख लेते हैं एलईडी, और इसे अगर यहाँ पे लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। उसके लिए हम लोग को इसको है जो कि एडजस्ट करना पड़ेगा फिर इसको, या तो आप यहाँ पे बॉक्स भी बना करके डाल सकते हैं। आप अपना हिसाब से इसको देख लेना कि क्या आपको अच्छा रहेगा। और एक ही हम पहले डिजाइन बनाते हैं, उसी को जो कि हम लोग सेट करके और बाकी में सेट करते हैं। यहाँ तक हम लोग का काम हो गया। अब यहाँ पे जो कि और भी कुछ मैटर अगर आपको डालना है तो मैटर वगैरह आप यहाँ से डाल सकते हैं, जो आपको वहाँ पे ज़रूरत है या पार्टी जो आपको दिया है उस हिसाब से। ठीक है, हम जो कि इसी चीज़ का जो कि आपको यहाँ पे करके हम दिखा दिए हैं। सिर्फ यही आपको डिजाइन के लिए इतना रिक्वायरमेंट होता है, जो कि आपको इतना डिजाइन के काम कर लेना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग को क्या करना है कि अब हम लोग को यहाँ पे नीचे में जो कि एक रेती देना है, तो उसके लिए जो कि इसको ले आते हैं और इसमें से ये सब चीज़ को है जो कि यहाँ से हम लोग हटा लेते हैं। ठीक है, और इसे यहाँ से हम लोग हटा लिए हैं, आउटलाइन रखते हैं, आउटलाइन एक पॉइंट कर देते हैं। इसका साइज क्या है, इसका साइज 7 यहाँ पे 7 है। ठीक है ना, इसको 7 हम लोग कर लेते हैं, इसका सेंटर कर लेते हैं, यहाँ पे जो कि इसको कर्व कर लेते हैं और यहाँ पे जो कि सेप टूल लेंगे, सेप टूल की मदद से जो कि इसको कुछ इस तरीका से आप इसको बना सकते हैं या इसको इस तरीका से बना सकते हैं। ठीक है ना, जो आपको अच्छा लगे उस हिसाब से आप इसको बना सकते हैं। अगर थोड़ा सा इसको इधर से रखते हैं तो कुछ इस तरीका की ये हो गया। ठीक है, और इधर से जो कि आपको 3.5 इधर से हम लोग रख लेते हैं। ठीक है, इधर से जो कि आपको 3.5 कर लेना। अब ये है जो कि आपका यहाँ पे सेटिंग बैठ गया, इस तरीका से आप इसको लगा सकते हैं। ये है जो कि ऑलमोस्ट हम लोग का डिजाइन बन के तैयार हो गया। अब है जो कि हम लोग को क्या करना है कि अब हम लोग को यहाँ पे जगह देना है, जगह देना है या कहिए कि यहाँ पे हम लोग को पिन सेट करना है। ठीक है ना, उस हिसाब से जो कि हम लोग इसको डिजाइन को थोड़ा सा रीडिजाइन यहाँ पे हम लोग इसको कह सकते हैं कि हम करेंगे। अब रीडिजाइन क्या करना, बस थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग इसको यहाँ से इधर थोड़ा सा घसकाएंगे, इधर यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे हम लोग घसका चुके हैं, यहाँ पे जो कि इस इमेज को थोड़ा सा हम लोग इधर घसकाएंगे। बाकी सारा काम हम लोग का हो गया। अब हम लोग एक पिन बनाएंगे। पिन बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे जो कि एक पॉइंट ले लेते हैं और इसको है जो कि हम लोग चारों कलर में कर लेते हैं, क्योंकि ये पिन है जो कि हमेशा काम देता है। ठीक है, तो ये आपको चारों कलर में रखना है। इसको प्लस करेंगे और इसको यहाँ से हम लोग 90° घुमा लेते हैं। उससे पहले जो कि हम लोग यहाँ पे गाइडलाइन लगा लें। गाइडलाइन लगाने के लिए क्या करना है, हम लोग को सबसे पहले जो आपका मेन यहाँ पे जो लाइन होता है यहाँ पे आपको गाइडलाइन लगा लेना है। एक यहाँ लगा लेते हैं, एक यहाँ लगा लेते हैं और एक यहाँ लगा लेते हैं। नियम यही कहता है कि आप कभी भी आप जब डिजाइन बनाते हैं उसके बाद आप गाइडलाइन लगा करके ही आप डिजाइन बनाइएगा, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं। अब हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को यहाँ पे जो कि 5.5 सेंटीमीटर रखना, 5.5 सेंटीमीटर यहाँ पर भी रखना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो कि
भरेंगे सारे पांच और इसको पकड़ेंगे प्लस करेंगे कीबोर्ड से और इसको यहाँ कर देंगे। देखिए इसको पकड़ेंगे साढ़े पांच इधर कर देंगे और यहाँ से जो कि इसको प्लस करेंगे और यहाँ पे कर देंगे। ठीक है तो इधर से रहेगा तो ये तो फ्लैश कट में चल जाएगा, इधर से रहेगा तो ये आपको यहाँ पे पेस्टिंग में चल जाएगा। ठीक है तो पेस्टिंग इधर से रहेगा, ठीक है ना। उस हिसाब से जो कि अब हम लोग पिन लगाते हैं, पिन लगाने के लिए पिन को हम लोग थोड़ा छोटा कर लेते हैं और इसको यहाँ पे ले आते हैं और ग्रुप नहीं करते हैं, इसको यहाँ पे हम लोग ले आए हैं और इसको जो कि हम लोग ग्रुप किए हैं, ग्रुप करके और इसको यहाँ से ऐसे किए हैं। ठीक है और इसको प्लस करके हम लोग बटम कर लेते हैं। बटम का मतलब है कि बटम ये इतना पर यहाँ पे रहे। ठीक है ये हो गया। अब इतना इसी को यहाँ से टॉप मिलाए हैं। अब ये दोनों को पकड़ेंगे और यहाँ पे ला करके राइट कर लें, ये हो गया। अब इसको यहाँ से हम लोग नचा लेते हैं यानी 180 घुमा लिए हैं और इसको जो कि हम लोग यहाँ से ये इतना पे सेट। अब ये जो है इसके यहाँ पे टॉप पे रहेगा। ठीक है क्योंकि यहाँ से जो कि ये कटिंग होता है, ठीक है ना। इसको उसी हिसाब से जो कि हम लोग यहाँ तक हम लोग का काम हो गया। अब जो कि यहाँ पे इसको यहाँ से हम लोग को यहाँ पे रखना है। अब यहाँ से जो कि हम लोग एक गार्डलाइन लगाएंगे, ठीक है, और यहाँ से जो कि इसको प्लस करेंगे और यहाँ से साढ़े पाँच सेंटीमीटर पे यहाँ पे देखिए मेरा अंदाज़ा सही था, यहाँ से हम यहाँ पे बैठा दिए। अब सेम चीज़ यहाँ पे प्लस करेंगे, प्लस करके हम लोग यहाँ पे इधर ले आते हैं। ठीक है और इसको जो कि हम लोग यहाँ से इस तरीक़ा से कर लेते हैं, इसको है जो कि हम लोग ऊपर में रखेंगे, बाहर में मतलब इधर रहेगा, यहाँ पे ये सामने रहेगा, यहाँ इधर देख सकते हैं इसको थोड़ा सा हम लोग दाब भी इधर रहेगा, ये अंदर में कोई दिक्कत नहीं है, आपको ग्रुप होने में यहाँ से हो जाएगा। देखिए ये पिन देने का है जो कि आपका तरीका है, पिन इस तरीका से आप दे सकते हैं। ठीक है अब यहाँ पे जो कि क्या करना है कि देखिए यहाँ पे जो है आपको एक जगह जो पेस्टिंग एरिया जो बोला जाता है वो पेस्टिंग एरिया यहाँ रहता है। यहाँ पे अगर हम लोग पेस्टिंग एरिया देना चाहते हैं क्वार्टर इंच ऑलमोस्ट रहता है। ठीक है तो इसको है जो कि हम लोग यहाँ पे ये है जो कि आपको पेस्टिंग एरिया हो गया, आप इसको इस तरीका से सेट कर सकते हैं। एक डिजाइन तो ये बन गया, ये डिजाइन आप फाइनल हो गया। अब इसी को जो कि हम लोग प्लस करके यहाँ पे कर लेते हैं और दोनों को सेंटर में कर लेते हैं। ठीक है और यहाँ से ग्रुप करते हैं, अनग्रुप करते हैं, ये दोनों को यहाँ से हम लोग कर लेते हैं ग्रुप, ज़्यादा जल्दी में हो जाएगा। ठीक है और इसको हम लोग यहाँ से इधर करते हैं, फिलहाल ये हटा देते हैं, यहाँ पर वाला जो कि ये हटा देते हैं, ये हटा देते हैं और इसको है जो कि हम लोग यहाँ से इधर ले आते हैं, इधर ले आते हैं कि यहाँ पे ये हो जाएगा इस तरीका से, और ये चीज़ हटा देते हैं फिलहाल, इसको दूर रखते हैं, इसको यहाँ से पकड़ेंगे, यहाँ पे ले आएंगे और इसको यहाँ से ऐसे घुमा लेंगे और इसे यहाँ से ऐसे कर लेंगे। हो गया ये हो गया, यहाँ तक के जो कि क्लियर हो गया। अब ये ही चीज़ जो है आपका ये चीज़ जो कि आप किसी एक में भी आप यहाँ पे ला करके इस तरीका से सेट कर सकते हैं। ओके तो ये है जो कि आपको डिजाइन बनकर तैयार हो गया। ठीक है अब हम लोग क्या रह गया फाइनल, हम लोग का अब ये प्लेट बनने के लिए किस तरीका से अरेंज किया जाता है, किस तरीका से जो कि सेट किया जाता है, जो कि आप प्लेट बनाने के लिए आप इसको रख सकते हैं कि वहाँ से जो कि इसका जगह मिल जाए, वहाँ से जो कि इसको दोनों साइड पेस्टिंग का एरिया मिल जाए, ये सब किस तरीका से होता है वो है जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे क्योंकि वीडियो जो काफ़ी लंबा हो गया है। ठीक है तो चलिए मिलते हैं वीडियो में, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो लाइक कीजिएगा, गुजारा इंशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं वीडियो में, इसी तरह का वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन कमेंट कर सकते हैं और ये भी कमेंट कर सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए।